हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग का शेयर करने वाली हूँ सर्दियों के लिए ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल, वो भी कैप के साथ। तो आप कैप के साथ ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल बना सकते हो मेरा ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरे चैनल पे भी ज़रूर जाइए, उस पर मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहती हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेयर वॉश किया हुआ है मैंने और चलते हैं हेयर स्टाइल बताने। तो सबसे पहले मैं जो मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल है वो कुछ इस तरीके का होगा। आपको सेंटर से थोड़ा सा हेयर ले लेना है, कैप पहनना है, तो पफ वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ से टिक टैक क्लिप या फिर बॉबी क्लिप से अपने बालों को सिक्योर कर लीजिए या फिर एक छोटा सा क्लचर लगा दीजिए। तो इस तरीके से बनाने के बाद से आप हेयर को, सारे हेयर्स को फ्रंट पे रख लीजिए और यहाँ से लेयर्स अपने फेस पे, जैसे कि लेयर्स आपके गिर जाएँ उस तरीके से करके आप सिंपली अपना कैप पहन लीजिए, जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है विंटर में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। कहीं जा रहे हो तो भी आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। आप देख सकते हो कितना इजीली आपने ये फर्स्ट हेयर स्टाइल हमारा बन के रेडी हो गया, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही स्टाइलिश लुक आपको देता है कैप के साथ भी। तो आप ये फर्स्ट हेयर स्टाइल मेरा है जो आप ट्राई कर सकते हो। आपने जैकेट भी पहनी जिसमें कैप होता है तो बैक में आपको हेयर रखने में दिक्कत होती है, तो इस तरीके से सारे हेयर आप फ्रंट में कर लो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, वो भी कैप के साथ। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में अगेन आपको ऊपर की तरफ से हेयर को लेना है और इस तरीके से टिक टिक क्लिप से इसको सिक्योर कर दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ से आपको हेयर को लेना है। और इसमें आपको सिंपल चोटी बना देनी है। चोटी गूंथ के एक छोटा पतला वाला रबड़ बैंड यहाँ पे आपको ऐड कर देना, वो भी ब्लैक कलर का, मतलब अपने हेयर से मैच होता हुआ, जिस कलर का आपका हेयर होगा उस कलर से मैच होता हुआ आप यहाँ पे रबड़ लगा दीजिए। तो मेरे हेयर पे ब्लैक रबड़ बैंड चलेगा, तो मैं ब्लैक रबड़ बैंड यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ओके, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी चोटी बना लेनी है। तो इस तरीके से दोनों साइड मैंने यहाँ पे बना लिया है ब्राइड, एंड आपको अब कैप ऐड कर लेना अपने बालों में और ये काफ़ी स्टाइलिश सा लुक आएगा आपके बालों का एंड बहुत ही सुंदर लगेगा कैप के साथ भी। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो सेकेंड हेयर स्टाइल में। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल में। आपको एक लो पोनीटेल बना लेनी है। लो पोनीटेल बनाने के बाद सिंपल जैसे आप जूड़ा बनाते हो उस तरीके से बना लेना है। ये लास्ट पॉइंट आपको रबड़ बैंड के पास लेके आना है, देन अपने हेयर के अकॉर्डिंग जितना बड़ा या छोटा आपके हेयर में क्लचर लगता है वो लगा लीजिए आप यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ पे क्लचर को हाइड भी कर सकते हो इस तरीके से। ओके, फ्रंट से अपना लेयर्स निकाल लेना है अगर आप कैप लगा रहे हो तो, आपकी चॉइस है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो निकालना है, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो इसको। लेकिन फेस राउंड में है या फिर लॉन्ग में है, ब्रॉड है, तो आप लेयर्स निकालोगे तो आपको आपके फेस को एक फ्रेम मिल जाएगा जिससे कि आपका लुक अच्छा आएगा। तो मेरे फेस पे, मेरा फेस बहुत साइड से ब्रॉड है तो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो ये मैंने लेयर्स निकाल लिया है, हमारा थर्ड हेयर स्टाइल होगा जो कि बहुत सिंपल है, ईजी है, साड़ी के साथ जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप कैप पहन के कहीं भी जा सकते हो इस तरीके से। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल मैं साइड पार्टीशन से बना रही हूँ, कॉलेज गर्ल्स के लिए बेस्ट रहेगा। आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको हेयर अगर ओपन रखते हो थोड़ा डिस्टर्बमेंट होता है, बट आप इस तरीके से बना लोगे तो
आप कंफर्टेबल भी रहोगे और आपका लुक भी अच्छा दिखेगा। तो साइड से इस तरीके से करके अपना लेयर्स को निकाल लेना है। इसके बाद आपको एक पोनी टेल बनानी है पतले वाले रबड़ बैंड से, चौड़ा रबड़ यहाँ पे यूज नहीं करना है। फिर ओके, थोड़ा सा लेयर लेना है बालों का और रबड़ बैंड को हाइड कर देना है। बहुत सिंपल तरीके से आपका ये हेयर स्टाइल बन जाएगा। इसके बाद एक आपको एक यू पिन लेना है, देन आपका जो एंड पार्ट है उसको यू पिन के अंदर अटैच करते हुए इस तरीके से लगा देना है, जिससे कि आपका जो लेयर है वो इधर उधर नहीं सरके। और ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल बन के रेडी हो गया। कैप के साथ भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप विंटर में इस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हो, कंफर्टेबल भी रहेगा और आपके लॉन्ग हेयर है, मीडियम लेंथ है, शॉर्ट है, सब पे जाएगा। ओके, चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ, जिसपे आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे एंड कोई भी काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो आप वो हेयर स्टाइल बना सकते हो। पांचवा हेयर स्टाइल में हाई बन बना के दिखाऊंगी। पूरा अपने क्राउन एरिया पे अपने हेयर को लेके आना है एंड एक पोनी टेल बना लेनी है। पोनी टेल को थोड़ा सा टाइटली बनाना है यहाँ पे। ऊपर से आपके हेयर बिगड़ रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका ये कैप के अंदर जाएगा और जब आप बन बनाओगे तो वो मैनेज हो जाएगा। पोनी को थोड़ा सा और ऊंचा लेके आना है, सिंपली ट्विस्ट करना है। और यहाँ पे क्लचर की मदद से इसको सिक्योर कर लेना है। साइड में लगा सकते हो क्लचर और या फिर सेंटर में भी लगा सकते हो। थोड़ा थोड़ा सा हेयर को खींच लूँगी जिससे कि मैसी लुक आ जाए। आजकल मैसी लुक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स की प्रॉब्लम है तो आप सेटिंग स्प्रे या फिर हेयर जेल अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी सेटिंग स्प्रे नहीं अप्लाई कर रही हूँ, मेरा ठीक है अभी हेयर। वैसे सेटिंग स्प्रे कैसे यूज करना है उसके लिए वीडियो बहुत सारी अपलोड की हुई है, तो आप चेकआउट कर लेना। तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल हो गया। जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी मैम विंटर में कैप के साथ हेयर स्टाइल बताइए, तो ये उनका रिक्वेस्ट पूरा हो गया। एंड वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी तरीके की इजी एंड स्टाइलिश वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।